हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सांडीराव से अपने घर की ओर प्रवासियों को किया रवाना। प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में गाड़ियों को रवाना किया गया। उत्तराखंड के सांडीराव रोडवेज बस स्टैंड से गुरुवार को 7 अलग अलग रोडवेज बसों के माध्यम से सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्रों के प्रवासियों को मध्य प्रदेश की सीमा तक रवाना किया गया। प्रवासियों को कितनी बसों से रवाना किया? मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के निवासी जो यहाँ सुमेरपुर, राणी, देसूरी, बाली जो तहसीलों में रह गए थे, तो वहाँ से आज जितने भी आए उन सभी को भेजा गया। इसके लिए हमने यहाँ से 6 बसें भेजी है जिसमें 329 यात्रियों को भेजा गया है। आगार व फालना आगार की 7 बसों को प्रशासन द्वारा पहले सैनिटाइज किया गया और उसके बाद स्कैनिंग टीम के प्रभारी हसमुख सेन द्वारा एक एक व्यक्ति को स्कैनिंग करने के बाद में बस में बिठाया गया। सभी यात्रियों के नाम मोबाइल नंबर नोट कर उनको अपने क्षेत्र के लिए बस द्वारा रवाना किया गया। मौके पर उपस्थित सुमेरपुर तहसीलदार जवाहरलाल चौधरी ने बताया कि लगभग 329 प्रवासियों को अपने अपने घरों के लिए 7 रोडवेज बसों के माध्यम से राजस्थान की अंतिम सीमा तक पहुंचाया गया, जहां पर अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से मध्य प्रदेश के नया गाँव झालावाड़ के आसपास क्षेत्र चवली सहित मध्य प्रदेश के आसपास क्षेत्रों के लोगों को करीब 350 लोगों को उनके राज्यों तक पहुंचाने के लिए रवाना किया गया। जहां पर अलग अलग क्षेत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश के नया गाँव झालावाड़ के आसपास क्षेत्र चवली सहित मध्य प्रदेश के आसपास क्षेत्रों के लोगों को करीब 350 लोगों को उनके राज्यों तक पहुँचाने के लिए रवाना किया गया। सुमेरपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।